इंश्योरेंस कंपनी फीस आपको दे रही है, इनको दे रही है, बताइए शुक्ला जी। लड़की तो खाली क्वांटम पर ही जगह है, लड़की है 27 साल, हाँ उसको पांव पे फ्रैक्चर है नीचे, उसका 20% परमानेंट डिसेबिलिटी वाली और मैंने वर्किंग गर्ल है, उसी वर्किंग मैंने एमपीएससी में पढ़ी, तो देयरफॉर हर साल विल नॉट अफेक्ट एनी मैटर, इवन दो 20% की डिसेबिलिटी की मानी गई है वो इम्प्रॉपर दिखती है, और उसके आधार पर 4,96,000 रुपए दिया एक फ्रैक्चर पे। सिसोदिया जी है कोई राय साहब? सिसोदिया जी है श्री राय साहब जी। चलिए अब एविडेंस पढ़िएगा डॉक्टर जी, इस डॉक्टर को उन्होंने एग्जामिन करा। शरद द्विवेदी है कोई डॉक्टर साहब? शरद द्विवेदी जी है, हमें नाम से मतलब दिन के एविडेंस क्या है, इज एग्जामिन्ड एज पीडब्ल्यू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देखते हैं एग्जिट P30 है, पर मैं लिखा है हनुमत डॉटर ऑफ रमेश कुमार हनुमत 29 इयर्स इंद्रपुरी लोको मोटर में पार्शियल एंकोलाइसिस विद अर्थराइटिस फ्रैक्चर क्या नेचर क्या है? फ्रैक्चर टीबिया एंड फिब्युला है, एंकल। शॉर्टनिंग कितनी है? शॉर्टनिंग नहीं है, शॉर्टनिंग नहीं है। डिसेबिलिटी क्या है? चलिए आप इनके एविडेंस पढ़िए। डॉक्टर साहब की एविडेंस पढ़िए। आप देखें जिला मेडिकल बोर्ड सदस्य था, दिनांक को मैंने इतना इतना का परीक्षण किया था, आज के बाय अनुसार दुर्घटना के कारण बाय पैर में दिनांक 26/11/15 को चोट आई थी, जिसका इलाज जामदार अस्पताल में हुआ था। परीक्षण में आज का बाया एंकल 30% अचल था, चलाने में दर्द हो रहा था, वह उकड़ू या पालती मारकर नहीं बैठ सकती थी। एक्सरे परीक्षण हेतु 12/2/18 को ब्रेस्ट सुपर स्पेशलिटी एक्सरे को देखा, जिसमें बाई टीबिया हड्डी का अस्थि भंग जुड़ गया था। इसमें आज को बाएं पैर में सापेक्ष स्थायी विकलांगता 35% आ गई है। लेकिन सही नहीं कि मैंने हड्डी का इलाज नहीं किया, छोटे कैसे दर्द देखिए विकलांगता केवल बाएं पैर को पूरे शरीर के सापेक्ष कितनी होगी मैं नहीं बता सकता। 35% लिया फॉर होल बॉडी, समझना तो चाह रहे हैं, हम तो एक्सपर्ट नहीं है बिल्कुल, कोर्ट को तो आप ही ने सप्लाई किया होगा, तो ये डॉक्टर साहब के अलावा कहां से आ गया कि 20% मान ले, व्हाई नॉट 5% और 35% एज इट इज, व्हाई 20%? सब मेडिकल डॉक्टर विल सर्टिफाई ना, ये जाएगी 20% डिसेबिलिटी, इसके अलावा आपको कुछ कहना ही क्या? बाकी तो ठीक दिया सर, उसमें चाहे तो 5,000 बढ़ाओ बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, हाँ 5,000 उसमें पड़ जाएगा कि इसमें फ्रैक्चर जो था दो हेड में पड़ जाएगा, कम्युनिटेड फ्रैक्चर था टीबिया फिब्युला, जो इसी दिया उन्होंने फिर 5-10,000 रुपए बढ़ सकते हैं। E11 का देखेंगे स्पेशल सुपर सर्जरी, E11 का उसमें है कम्युनिटेड फ्रैक्चर इन द लेफ्ट टीबिया बोन, देयर आर 3 फ्रैक्चर्स, जो बनता वो दिला देंगे भी रिड्यूस टू दी 10% और 5% एट अकॉर्डिंग दैट, कैसे करें डॉक्टर की कोई एविडेंस नहीं, फंक्शनल डिसेबिलिटी क्या करते थे आप? जी तो एमपीएससी में नौकरी करते थे, इसमें संविदा पे थे,
उससे क्या आपकी नौकरी चली गई क्या? नहीं नौकरी चली गई, एविडेंस तो आई नहीं है. ओके सी वाज अनमैरिड. उससे क्या फर्क पड़ता है? तो लॉस ऑफ मैरिज प्रोस्पेक्ट में दिला देंगे 1,00,000 रुपए आपको. अगर अनमैरिड थी तो लॉस ऑफ मैरिज प्रोस्पेक्ट में दिला देंगे. वो 4,00,000 कम करके 1,00,000 दे देना था. हाँ, कोई दिक्कत नहीं. वही तो बोल रहे हैं. और क्या सब मिला के उसको 1,50,000 रुपया दे दे लड़की को. वहाँ पे दिक्कत नहीं. परसेंट का असेसमेंट 4,96,000 जो दिया गया उचाई वही केवल आप जिसने भी बाकी एक आध जगह थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है. अटेंडेंट का पैसा जो है थोड़ा सा बढ़ा भी सकता है. One 150 of 2016 on a singular ground that